तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। तो हार्डवेयर का बिजनेस है मेरा, जैसे TMT बार्स, फिर ब्रिक्स का, सैंड, स्टोन का, ये सब का बिजनेस है मेरा। तो उस हिसाब से मैं ब्रिक्स के लिए अभी मैं भट्टी में जा रहा हूँ। तो दो भट्टी के बारे में तो मुझे मालूम था, एक जो हवाई भट्टी होती है और एक जो एक नॉर्मल भट्टी होती है। ठीक है, अब नॉर्मल भट्टी में कैसा है कि आप कोयला मतलब डाल के जो आग होता है उसको लेबर के द्वारा ही उसको मतलब आग को बढ़ाया जाता है, या फिर आग को मतलब उसको कोयला को डाला जाता है, फिर आग को मतलब लेबर के द्वारा ही मतलब वर्कर द्वारा मतलब आग को मतलब फैलाया जाता है। और जो आपका जो हवाई भट्टी होती है ना, तो उसमें क्या है, उसको मशीन के द्वारा मतलब हवा के द्वारा उसको आग को मतलब आगे ढकेला जाता है। मतलब जो ब्रिक्स वगैरह जो जिसको मतलब भट्टी में जलाते हैं, उस ये ब्रिक्स को मतलब ईटा को वो तैयार किया जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से वर्कर का खर्चा बढ़ जाता है हवाई भट्टी में। तो आज जिस भट्टी में मैं जा रहा हूँ वो है आपके बैंग मतलब भट्टी, तो ऐसे मतलब भट्टी की तरह ही है, लेकिन उस भट्टी को ऐसे बोला जाता है बंगाली भट्टी। ठीक है, बंगाली भट्टी बोला जाता है। अब उसमें क्या खास ऐसा है और किस तरह का है देखने में, तो मैंने उसका जो वीडियो वगैरह जो मेरे को मतलब फोटोज वगैरह भेजे हैं ईटा का, तो ब्रिक्स का जो फोटोज वगैरह भेजा है वो तो दिखने में अपना नॉर्मल ब्रिक्स जैसा ही है, लेकिन उस भट्टी का नाम है बंगाली भट्टी। तो भट्टी पर चलते हैं और चल के देखते हैं कैसा है वहाँ ईटा जो है, कैसा है, किस टाइप का है, नंबर 1 ईटा कैसा होगा, जो 2 नंबर वाला ईटा होगा, जो ढीला ईटा होगा, वो सब देखते हैं वहां जाकर, आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, आप लोग वीडियो में बने रहिए और वीडियो पूरा देखिएगा। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AM एंटरटेनिंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग कुशल मंगल होंगे, और आप सबको मेरा नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। और मेरे साथ आज है नूर भाई, जो मेरा कजन ब्रदर है। ठीक है, नूर भाई भी साथ में, नूर भाई ड्राइव कर रहे हैं, दोनों ने रोजा रखे हैं हम दोनों ने। और आप सबको मेरी तरफ से और मैं नूर भाई की तरफ से रमजान मुबारक। और नूर भाई अभी ड्राइव कर रहे हैं, तो अभी चलते हैं हम लोग बकोछेगांव की ओर, जा रहे हैं हम लोग गुवाहाटी बकोछेगांव की ओर। अभी हम लोग फिलहाल है आपका ये जालुकबाड़ी, जो असम यूनिवर्सिटी है, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, सॉरी गुवाहाटी यूनिवर्सिटी जो है उसके पीछे ही हम लोग है, अभी चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से लगभग और 1 घंटा लग जाएगा। ठीक है, तो 1 घंटा और लग जाएगा, नूर भाई ने बताया। और बकोछेगा कभी मतलब वैसे गया हूँ 3-4 बार, लेकिन जो आज आज जिस काम से जा रहा हूँ बिजनेस के पर्पज से, तो आज जा रहा हूँ भट्टी के काम से। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। तो चलिए अब हम लोग वहां पहुंचते हैं, पहुंचकर मैं दिखाता हूं आपको वहां का दृश्य। ठीक है,
गाइज अभी हम लोग बोको पहुंच गए हैं और बोको मतलब छेगा पार करके बोको मिलता है। बोको पहुंच के बोको जो मेन चौक है उसके मतलब फिर चौक से फिर बहुत मतलब 10-12 किलोमीटर अंदर आना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग को मतलब भट्टी के आदमी के साथ एक आदमी के साथ कॉन्टेक्ट किया है, उस कॉन्टेक्ट के द्वारा ही हम लोग मतलब उस हिसाब से वो उनके मतलब जो उन्होंने बताया उस हिसाब से हम लोग फॉलो कर रहे हैं अभी, ठीक है। अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं लेकिन अभी तो पहुँचे नहीं हैं और रास्ता काफ़ी ख़राब है यहाँ पे अंदर का, थोड़ा गांव इलाका है। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या हुआ रे रास्ता तो ये ब्रिज बहुत बड़ा मतलब थोड़ा डिवाइडर टाइप का है इसीलिए थोड़ा झटका लगा। और ये गांव एरिया है, आप लोगों को दिखा देता हूँ और उसके बाद भट्टी में पहुँच कर फिर मैं आप लोगों के साथ रूबरू होता हूँ, ठीक है। तो गाइस अभी बहुत बोको से अंदर आने के बाद ये यहाँ पर ये जगह है बालेश्वर नाम से फेमस है ये जगह, ठीक है। तो बालेश्वर के अंदर हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं और गाड़ी अभी पार्क कर दिया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं खेत की ओर मतलब जहाँ भट्टा है मतलब ईटा का भट्टी। और भट्टी मेरे को यहाँ से दिख रहा है, मैं आप लोगों को सामने से जाकर दिखाता हूँ, ठीक है। आप लोग भी चौंक जाएंगे ये भट्टी देखकर, ठीक है। मैं भी चौंक गया हूँ और उसके जो भी डिटेल्स है मैं आप लोगों को अभी जाकर वहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो देख लीजिए ये पठार एरिया है, यहाँ पे छोटा गांव है एक, और गांव एरिया में ये छोटा करके मतलब इन लोग यहाँ पे ईटा बनाते हैं। और तो ईटा बनाने का जो भी स्टाइल है ये भी मतलब इनका भी एक ये भी एक दिमाग वाला बात है, ऐसा बात नहीं है कि ये कोई मतलब गैर कानूनी वाला बात है, ऐसा बात नहीं है। कम खर्चे में अपना काम चला लेते हैं और हम जैसों का भी भला हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और वीडियो मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो गाइस ये देखिए मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं, ये है भट्टी, इसे बोलते हैं बंगाली भट्टी। और बंगाली भट्टी इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसको इन्वेंशन इसका जो किया है बंगाली लोग ने किया है अपने दिमाग लगा कर, ठीक है। यहाँ पे कोई चिमनी टाइप का कोई वो नहीं है, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, हाँ। और ये नूर भाई देखिए पीछे, नूर भाई देखिए ईटा एकदम तगड़ा ईटा है, हाँ। तो थोड़ा बहुत मतलब क्या जैसे साइज में कुछ कुछ छोटे हैं कुछ कुछ बड़े हैं, ऐसा बात नहीं है कि सब एक समान है। मेन बात है कि जो ज़्यादा मतलब जल जाता है ना तो वो थोड़ा मतलब सिकुड़ जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं अभी बैक कैमरा से दिखाकर मैं आप लोगों के साथ पूरा बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए गाइस ये जो आपका है इसमें नहीं भी बोले तो एक साथ में कभी किसी में 70,000 जैसे ये वाला चल रहा है, इसमें 70,000 है, इसमें 60,000 है, कोई कोई 80,000 1,00,000 भी कर देता है, ठीक है। और जिसमें आग डालने का सिस्टम है जो ये सिस्टम है, देखिए यहाँ से लोग कोयला वगैरह मतलब यहाँ से डालते हैं और ऊपर भी चढ़ने का सिस्टम है, वहाँ से चढ़ के ऊपर, हाँ ऊपर से चढ़ने का सिस्टम है। देखिए ये है सीढ़ी टाइप का, ऐसे चढ़ के ऊपर भी आग डालते हैं। और ये देखिए आप लोग के सामने दिख रहा है वो आग जली रहा है इसके अंदर। और जब आप लोगों को ये ईटा दिया जाता है ना तो ये बाहर का जो ईटा है ना इसको नहीं दिया जाता, ये एक है आपका वाल सिस्टम है, ठीक है। इसके अंदर का जो जितना भी माल है दिया जाएगा, जैसे अगर मैं मान लीजिए अभी ईटा लेता हूँ तो ये ईटा पूरा अंदर का जितना है वो दिया जाएगा, लेकिन ये जो बाहर का है ना ये वाला माल नहीं देते इन लोग, क्योंकि इसमें भी थोड़ा बहुत गंदगी लगी हुई है ये, तो ठीक है इसको फिर बाद में दोबारा यूज़ किया जाता है। तो इसलिए तो आप लोगों ने देखा ये भट्टी हो गया बंगाली भट्टी, इसीलिए इसका नाम पड़ा है और क्योंकि बंगाली लोगों ने इसका इन्वेंशन किया है, ठीक है। तो बाकी बात मैं ये भाई लोग से बात करता हूँ, ये भाई लोग है दादा लोग है, ठीक है। दादा का नाम? मेरा नाम है मोहम्मद रफीकुल इस्लाम। अच्छा आप इस बिजनेस में कब से है? बहुत ज़्यादा दिन है, और 5 साल है। 5 साल? हाँ 5 साल से है। तो ये लोग मतलब के आप लोगों का मतलब अधिकतर लोग ऐसा बिजनेस ही करते हैं यहाँ पे? हाँ हाँ। तो ये दादा के साथ अभी मैं मतलब डील वगैरह करता हूँ, हाँ ठीक है, उसके बाद फिर मैं आप लोगों के साथ रूबरू होता हूँ और उसके बाद आप वीडियो का एंडिंग करेंगे। तो तब तक आप लोग वीडियो देखिए इंजॉय करिए। ये सब ईट हैं, ये सब देखिए यहाँ पे मतलब खुला खोल के मतलब रखा हुआ है। ये सब अभी स्टॉक में मतलब जैसे अभी मैं लेके जाऊँगा 10,000 पीस माल लेके जाऊँगा तो ये माल अभी लोड होगा, ये सब माल। बस माल का एक ही चीज़ मेरे को
खटका है कि माल का साइज़ थोड़ा छोटा है, बाकी माल तो बढ़िया माल है। ठीक है, ये देख लीजिए आप लोग, ये माल मतलब अभी वहाँ तक जहाँ अभी भट्टी में आप लोगों को दिखाया था वहाँ तक, मतलब जो 12 चक्का जो ट्रक है वो वहाँ तक जाएगा नहीं, तो यहाँ से यहाँ पर ट्रैक्टर से मतलब यहाँ पर अनलोड किया जा रहा है, फिर यहाँ पर गाड़ी 12 चक्का लगाएगा, लगा के फिर यहाँ से इसको अनलोड करेंगे, मतलब लोड करेंगे, लोड कर फिर 10,000 पीस माल हम लेकर जाएंगे। तो गाइज अभी हम लोग का ये जो दादा है लेबर है, ये गाड़ी में 10,000 माल इनके मतलब साथ में 4-5 लोग हैं वो गाड़ी में चढ़ा देंगे। तो फिर हम लोग अभी इफ्तारी का टाइम भी होने वाला है, अभी 4 बज चुका है, तो हम लोग थोड़ा टाउन एरिया तक जाते हैं, वहाँ इफ्तारी करेंगे, गाड़ी लोड हो जाएगा तो हमको फ़ोन कर देंगे, तो हम लोग मतलब टाउन में गाड़ी को पकड़ कर साथ में एक ही साथ हम लोग फिर फॉलो करेंगे। ठीक है, तो चलिए टाउन तक जाते हैं, टाउन में जाकर फिर आप लोगों के साथ रूबरू होते हैं और वीडियो को एंड करते हैं। अभी शाम होने को है, इफ्तार का टाइम होने वाला है, अभी 4:52 हुआ है, हम लोग वहाँ से आ चुके हैं। ठीक है, गाड़ी लोड हो रहा है, तो हम लोगों ने उन लोगों को जालुकबाड़ी तक बुलाया है, जालुकबाड़ी में हम लोग देखते हैं, अभी हम लोग तो फिलहाल बोको छोड़ के आ गए अभी हम लोग, हाँ तो बोको छोड़ने के बाद अभी हम लोग देखते हैं इफ्तारी कहाँ करते हैं, टाइम कहाँ होता है। मेरे ख्याल से जालुकबाड़ी पहुँचने से पहले शायद इफ्तारी का टाइम हो जाएगा, शायद अगर जालुकबाड़ी पहुंच जाते हैं तो हम लोग जालुकबाड़ी में इफ्तारी कर लेंगे और वहीं रुक जाएंगे, वहां फिर वहां से गाड़ी लेकर हम लोग मतलब फिर जो ईटा का जब गाड़ी आ जाएगा तो वहां से फिर हम लोग साथी में घर तक मतलब मेरे जगह तक डेस्टिनेशन तक चले जाएंगे। ठीक है, और आज का वीडियो बस इतने से था, छोटा सा एक नॉलेज के बारे में, मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा था, जो चीज़ मैं फील कर रहा हूँ, जो चीज़ मेरा एक्सपीरियंस है वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, चाहे वो नया हो चाहे वो पुराना हो। तो बस आज का वीडियो बस इतना सा था, आप लोग मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए, और मेरे वीडियोज़ को लाइक शेयर और कॉमेंट जरूर करिए। तो तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।